Hey guys, welcome back to my channel English Sahitya. So in today's video we are going to learn about pronouns. Last time we learned about nouns in grammar session, so let's start. Pronoun is a word that is used in place of a noun or a noun phrase. So pronoun एक ऐसा word है जो किसी noun के place पे use होता है या noun phrase मतलब noun के साथ जो sentence use होता है तो noun phrase तो उसके जगह पे use होता है उसे हम pronoun कहते हैं. For example, we must admit our mistakes. इसका मतलब है कि हमें अपनी mistakes जो है उसे मान लेना चाहिए. तो इसमें हमारा जो pronoun है, वैसे pronoun को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? तो हम वैसे समझ सकते हैं हिंदी के साथ साथ We must admit our mistakes. हमें अपनी mistakes को मान लेना चाहिए. तो इसमें सर्वनाम क्या है? हमें, क्योंकि हम ये noun की जगह use कर रहे हैं, we must admit, तो हम अपनी mistake को मान रहे हैं. तो इसलिए we जो होगा वो हमारा noun की जगह आ रहा है, तो इसलिए इसे हम अपना pronoun कहेंगे, ठीक है? अब next है, this chair is broken. इसे हम हिंदी में करते हैं, यह कुर्सी टूटी हुई है. तो ये वाली कुर्सी जो है टूटी है, तो इसमें हम कुर्सी को कर रहे हैं, हम कुर्सी के जगह पे हम यूज कर रहे हैं एक बार किसी नाउन वर्ड को, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. तो चेयर के साथ हम चेयर को शो करने के लिए हम दिस का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया. तो इसलिए दिस इज द प्रोनाउन हियर. दीस बुक्स आर योर्स एंड दोज आर आवर्स. तो ये वाली बुक्स जो है ये हमारी है और वो वाली तुम्हारी है. तो योर्स भी तुम्हारा प्रोनाउन और आवर्स हो गया हमारा, मतलब ये भी प्रोनाउन. All the underlined words in the above three sentences are pronouns. हमने पढ़ लिया इसे. अब आते हैं types of pronouns. Personal pronoun. A pronoun in the sentences above stands for name of persons or things, and these are called personal pronouns. The pronoun I, me, we, and us refer to person speaking. देखो मैं बोल रही हूँ तो I का use करूँगी. मी मतलब मी, मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ. वी मतलब हम सब जिनके साथ मैं बोल रही हूँ, मैं ही हुई ना, वो बोल रहे हैं, बट हम लोग प्लूरल में यूज कर रहे हैं. अस भी हमारे लिए यूज होता है. तो जो जो प्रोनाउंस पर्सन जो स्पीक कर रहा है उसके लिए यूज होता है उन्हें हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है? पर्सनल प्रोनाउंस के टाइप है, पर्सनल प्रोनाउन में टाइप्स आते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो पहला टाइप है फर्स्ट पर्सन जो बोलता है. नेक्स्ट है द प्रोनाउन यू refers to the person spoken to. अब जो pronoun है you, तुम जो है ये उसके लिए होता है जिसको तुम बोल रहे हो, जो मतलब सुन रहा है, जिसको तुम बता रहे हो कि ये सब ऐसा ऐसा है, तो उसे हम you कहते हैं. You are doing this, हम उसे बोल रहे हैं कि तुम ये सब कर रहे हो, तो इस pronoun को हम लोग second person कहते हैं. अब आते हैं pronouns it, him, she, her, they and them. ये होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ना ही तो ये बोल रहे हैं ना ही सुन रहे हैं, पर हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो इन प्रोनाउंस को कहते हैं थर्ड पर्सन. जैसे कि शी इज द गर्ल हु बिलोंग्स टू दिस हाउस, तो मतलब ये जो लड़की है ये इस घर से बिलोंग करती है, तो फिर शी हम उसको नहीं बोल रहे हैं, हम तुम्हें बोल रहे हैं, तो हमने यू का यूज तो नहीं करा है, पर शी का कह रहे हैं, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो होगा थर्ड पर्सन, ठीक है? नेक्स्ट आता है स्टडी दिस टेबल टू अंडरस्टैंड पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सन हमारे यहाँ पे दिए हुए सब्जेक्ट जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट भी दिए हुए. तो फर्स्ट पर्सन है ये सिंगुलर में, तो सिंगुलर में हम सब्जेक्ट जैसे जो बोल रहे हैं आई, और अगर ऑब्जेक्ट लगाओगे तुम मी, ठीक है? फर्स्ट अगर प्लूरल में बात करें फर्स्ट पर्सन के लिए तो सब्जेक्ट में वी आता है, ऑब्जेक्ट में एस आता है. सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, और ऑब्जेक्ट में भी यू ही आएगा. सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी हम यू ही यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट में भी यू ही यूज करेंगे. थर्ड पर्सन में आता है सिंगुलर में ही, शी या इट. ही होता है एक लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट किसी एनिमल या किसी एनिमल के लिए होता है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट में हिम, हर और इट. हिम लड़के के लिए, हर लड़की के लिए, और इट एनिमल के लिए, ऐसी जो नॉन लिविंग थिंग होता है उनके लिए. और अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल में बात करें तो दे होता है उनके लिए, देम होता है उन्हीं के लिए, बट हम वर्ड का वो चेंज हो जाता है हमारा, सब्जेक्ट में हम दे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट में देम यूज करते हैं. अब सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन्स. तो फॉर एग्जाम्पल माइन, आर्स, हिज, हर्स, देयर्स, योर्स,
तो पजेसिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं, मतलब ये किसी के ना बिलोंगिंग को शो करते हैं. ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये नाउन की जगह पे यूज होते हैं. और अब ये ना दो टाइप के होते, जो पजेसिव होता है ना वो एक प्रोनाउन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है. एडजेक्टिव हम बाद में पढ़ेंगे, पर जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव है इनके बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है. तो इसके लिए हम देखते हैं अब कैसे हमें कंफ्यूजन क्लियर होगा. जो पजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे यूज होता है, इन प्लेस ऑफ अ नाउन. और जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले यूज करते हैं हम लोग, इज यूज बिफोर अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर नॉट माई ग्लव्स, माइन आर ब्राउन. तो यहाँ पे जैसे माय है ये हमारा एडजेक्टिव है, बिकॉज नाउन हमारा ग्लव्स है, ग्लव्स से पहले यूज हो रहा है. यहाँ पे लिखा पॉजिटिव एडजेक्टिव इज यूज बिफोर अ नाउन, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया. और नेक्स्ट सेंटेंस में माइन आर ब्राउन, तो माइन यहाँ पे नाउन की जगह नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए माइन हमारा यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा. नेक्स्ट टाइप पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, व्हेन ourselves when used as receivers of an action. मतलब जब मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ या उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो जो बोल रहा है ना उसको हम, अगर वही रिसीवर होता है ना, जैसे हमने सेकेंड पर्सन में पढ़ा था कि यू हम उसे बताते हैं, तो ऐसा नहीं होता इसमें. इसमें हम उसी को बोल रहे हैं, उसी को हम वही बोल रहे हैं जो, मतलब जो रिसीव कर रहा है, एक्शन जो उसने कर रहा है उसके बारे में हम उसे बता रहे हैं. जैसे इसमें लिखा है द डूअर एंड द रिसीवर, जो काम कर रहा है और जो सुन रहा है वो एक ही पर्सन, सेम पर्सन या थिंग को हम बताते हैं इसमें. जैसे फॉर एग्जांपल, सुमी सॉ सुम इन द मिरर, तो जो देख रहा है, जो देख रहा है वो अपने आप को ही तो देखेगा मिरर में, तो वैसे ही हमने वो सेंटेंस लिखा है सुमी सॉ सुम इन द मिरर. इसमें हमने कोई प्रोनाउन नहीं यूज करा है, बट अगर हम इसमें प्रोनाउन यूज करते हैं तो ये लिखा जाएगा सुमी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर, सुमी ने अपने आप को देखा मिरर में, है ना. तो हम सुमी की जगह हरसेल्फ यूज करा, इसलिए हमारा प्रोनाउन हो जाएगा. सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ आ गया होगा, इससे होता है. नेक्स्ट आता है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. ये जो होते हैं ये एम्फसाइज, मतलब जो आप काम करते हो ना उसको कन्वे करने के लिए आते हैं. जो सेम ऐसे ही है रिफ्लेक्सिव की तरह, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है. जैसे कि आप इसमें लाइक बीच में ना कोई वर्ब या ऑब्जेक्ट कुछ नहीं आता है इसमें. जैसे एम्फसाइजिंग में आई माइसेल्फ टाइप द लेटर, मैंने अपने आप लिखा है लेटर. शी हरसेल्फ रिफ्यूज्ड ऑल हेल्प, उसने खुद से मना कर दी सारी हेल्प. आई माइसेल्फ लॉक्ड द डोर, मैंने खुद से डोर को बंद कर दिया. तो इसमें जैसे एम्फसाइज अपने आप के बारे में ही बता रहा है, ठीक है. जैसे श्री के बारे में, जैसे हमने आई माई सेल्फ, मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने खुद से लिखा लेटर. श्री हरसेल्फ वो अपने बारे में बता रही है, उसके बारे में हम बता रहे हैं, बट उसको हमने, उसके बारे में बताया हमने कि उसने खुद से डोर सारी हेल्प मना कर दी. फिर आई माई सेल्फ लॉक डोर, मैंने अपने आप से डोर बंद कर दिया. तो हम अपने बारे में, उसके बारे में, उनके बारे में, उनके बारे में बताते हैं, तो ऐसे को एम्फसाइज प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ये जो है ये नाउन को रिप्लेस करते हैं, वो तो सारे करते हैं, बट इनमें कुछ अंतर होता है. ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी को पॉइंट आउट करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं कि कहाँ पर है वो चीज, उनकी प्लेस के बारे में बताते हैं. तो दिस, जैसे एग्जाम्पल देंगे इसके, दिस दैट दीज या दोस. तो जैसे दिस ये, दैट वो, दीज मतलब ये सारे प्लूरल में, और दोस मतलब वहां पे जो दूर है बट प्लूरल में. सो फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माई पेट्स, सो ये मेरे पेट्स है. दीज ये, और बट ये प्लूरल में है, माई पेट डॉग्स. तो डॉग्स में भी एस लगा है ना, तो इसलिए प्लूरल है. दीज आर माई पेट डॉग्स, ये मेरे पेट डॉग्स है. दैट इज द हाउस वी इंटेंड टू बाय, इसका हिंदी में बोलती हूँ मैं, कि वो घर वही है जो हम खरीदने वाले थे. तो दैट वो वाला दूर है पर सिंगुलर है, तो इसे दैट हाउस वी, दैट इज द हाउस वी इंटेंड टू बाय. अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये. अब ये प्रोनाउन था, ये प्रोनाउन नाउन की जगह पे आते हैं, और एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, एज हमने बताया था. नाउन एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के बारे में बताते हैं. इसके में भी हम वीडियो बनाएंगे, उसके बाद उसमें हम पढ़ेंगे ढंग से. तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, ये नाउन से पहले लगेंगे, आपको नाउन के बारे में बताएंगे. नेक्स्ट कम्स इंटरोगेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, हु, हुम, विच, वॉट. So they are used to ask questions.
ठीक है, तो अब जैसे ये वर्ड्स हो गए इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स कह सकते हैं, हु, whom, which और what. Who हो गया कौन, whom मतलब किसका, किसको, which मतलब कौन सा, what मतलब क्या, तो ये सारे क्वेश्चन आस्क करने में यूज होते हैं, है ना. तो अब बस इसमें ये अंतर है कि जो हु होगा ये नाउन की जगह पे आ जाएगा. अब जैसे अगर आप फिर आपके आंसर लिखोगे तो हु की जगह आप नाउन लिख दोगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा. अगर वन वर्ड हुआ देन, तो एग्जाम्पल है नंबर वन, हु इज असिस्टिंग यू इन दिस प्रोजेक्ट, आपको इस प्रोजेक्ट में कौन हेल्प कर रहा है, मतलब कौन आपके साथ कर रहे हैं काम, कौन, कौन की जगह अगर आप लिख दो राम इज हेल्पिंग, तो यहाँ पे आप हु की जगह डायरेक्ट लिख सकते हो राम इज असिस्टिंग मी, यू की जगह आप मी लगाओ क्योंकि आप अपने लिए बोल रहे हो, मी इन दिस प्रोजेक्ट, ऐसे करके आप लिख सकते हो. विच इज योर बुक, कौन सी तुम्हारी बुक, कौन सी है तुम्हारी बुक, कौन सी है, तो मेरी बुक ये है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ऐसे करके हम लिख सकते हैं. तो बस ये नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं और क्वेश्चंस पूछे काम आते हैं, इसलिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट कम्स रिलेटिव प्रोनाउन, फॉर एग्जांपल हु, whom, which, what और दैट. तो जैसे होता है ये किसी के साथ रिलेट करते हैं, जैसे अभी तो ऊपर तो हमने क्वेश्चन वाले पूछे, अब ये है रिलेट करने के लिए. जैसे बोलते नहीं है कि आई वुड लाइक टू मीट द आर्किटेक्ट हु डिजाइन दिस बिल्डिंग, जिसने ये काम करा है, जिससे ये हुआ है, जो मतलब रिलेट करता है कि किसी ने करा है, हम पता नहीं है हमें कौन है, बट हम बोल रहे हैं कि हु मेड दिस बिल्डिंग, डिजाइन दिस, तो ऐसे यूज होता है. इसमें हमारे मोस्टली वर्ड होते हैं हु, होम, विच, वॉट और दैट. आई वुड लाइक टू मीट द आर्किटेक्ट हु डिजाइन दिस बिल्डिंग, मुझे उस आर्किटेक्ट से मिलना है जिसने ये बिल्डिंग डिजाइन करी. आगे समझ में, एग्जाम्पल ऐसे हो गया. अब नेक्स्ट है ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, मतलब आपने सुना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो वैसी बात है कि सारे ग्लिटर्स जो होते हैं वो सोना गोल्ड नहीं होते, सो दैट भी यूज होता है, इसमें ध्यान रखना. नेक्स्ट कम्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर, मतलब ये मतलब क्या कहते हैं, दो वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, बट मतलब वन टू अनदर. ये अगर मतलब जैसे हो गया, एग्जाम्पल देखते हैं, जो टू ब्रदर्स लव ईच अदर, जो दो ब्रदर है वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक ब्रदर उससे करता है, दूसरा ब्रदर अपने पहले वाले से करता है, तो ईच अदर दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, इसलिए हम इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं. ईच अदर एंड वन अनदर आर सेम एंड कैन बी इंटरचेंज, अगर आप ईच अदर के साथ वन अनदर भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम होते हैं और ये दोनों इंटरचेंज कहीं पे भी हो सकते हैं. जैसे इसी वाले पे लगा लेते हैं, टू ब्रदर्स लव वन अनदर, लव वन अनदर, तो इसमें भी एक दूसरे से पहले करता है, दूसरे पहले से करता है, तो सेम ही मतलब बन रहा है, तो इसमें कोई ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो आप यूज कर सकते हो दोनों को. इनडेफिनेट प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल वन, नन, ऑल, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, फ्यू, मैनी, एनी, अदर्स, एटसेट्रा. तो इसका मतलब है जो इनडेफिनेट, मतलब डेफिनेट ना हो, मतलब उनका क्वांटिटी नहीं पता हमें ढंग से कि क्या है, मतलब दे आर नॉट श्योर कि कौन सी इतनी क्वांटिटी है या नहीं है, मतलब दे रेफर टू अ पर्सन और अ थिंग इन जनरल वे, नॉट इन पर्टिकुलर, मतलब हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हम जनरली बोलते हैं कि इतने थे, हम अंदाजे के साथ बोलते हैं कि इतना होगा, इतना है. तो फॉर एग्जाम्पल वन मस्ट कीप वन्स प्रॉमिस, किसी को, वन का यहाँ मतलब किसी को होगा, कोई भी या किसी को भी अपना अपना खुद का प्रॉमिस रखना चाहिए, मतलब मानना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए. None of the movies was a hit at the box office. अब बहुत सारी मूवी होगी, अब हम पर्टिकुलर नहीं बोल रहे, हम जनरली बोल रहे हैं कि उनमें से कोई भी मूवी जो थी वो बॉक्स ऑफिस में हिट नहीं थी, मतलब टॉप पे नहीं थी, मतलब ज्यादा फेमस नहीं हुई. नेक्स्ट इज सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, जो सम कुछ होते हैं वो बहुत महान बॉर्न होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा महान होने के लिए बॉर्न होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ग्रेटनेस अचीव करने के लिए होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अपना नाम बढ़ाने के लिए करते हैं. तो कुछ से मतलब हम किसी को एग्जैक्टली नहीं बोल रहे हैं, और सम अचीव ग्रेटनेस को नहीं बोल रहे हैं, हम कोई यही पर्टिकुलर इंसान है, हम सबको बोल रहे हैं, कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, ऐसे बता दें. नेक्स्ट है बी गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा रहना, हम किसी को बोल नहीं रहे कि यही होना चाहिए, बट हम बोल रहे हैं बी गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ अच्छे रहो. नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम हर एक मतलब एक बारी में हम बहुत सारे लोगों को रेफर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईच, आइदर और नाइदर.
सो दे रेफर टू अ पर्सन और अ थिंग एट वन टाइम. तो मतलब ये जो है ये एक पर्सन को या एक थिंग को एक ही बारे में बहुत सारे लोगों को रेफर करता है. फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन इज अ जीनियस. ये इन जो ये चिल्ड्रन है इनमें से हर एक बच्चा जीनियस है. ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन में से हर एक बच्चा जीनियस है. वी कैन अपॉइंट आइदर ऑफ दीज कैंडिडेट्स. हम इनमें से किसी भी कैंडिडेट को अपॉइंट कर सकते हैं. दीज कैंडिडेट्स आइदर मतलब कोई भी. Neither of your proposals has any merit in it. इनमें से किसी भी proposal में आपके merit नहीं है. मतलब कोई हमारी वो जो हमें चाहिए qualities वो नहीं मान रही है. So this is all for today. Hope you like the video. Make sure you like, subscribe, share and comment this video. How do you like it? So thank you and stay tuned.